नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। आपको बता दूं कि बिहार में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसको देख करके सरकार और प्रशासन को सतर्क हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें बहुत ही भयावह है। जहां पर लॉकडाउन का मजाक उड़ाया जा रहा है, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से लॉकडाउन का मजाक उड़ाया जा रहा है और प्रशासन चाय की चुस्की में व्यस्त है। तो क्या हम ऐसे कोरोना से जंग जीतेंगे? ये तस्वीरें खगड़िया की है और खगड़िया में ये जो सब्जी मंडी है, यहाँ लॉकडाउन का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है और वहीं पे तैनात जो सिपाही है, प्रशासन के लोग हैं, वो चाय की चुस्कियों में व्यस्त हैं। तो सवाल ये उठता है कि जिस तरह से बिहार में लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और कोरोना के मरीज जैसे बढ़ रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में क्या बिहार सरकार और प्रशासन को इस पर पहल करने की ज़रूरत नहीं है? ये तस्वीरें JNKT स्टेडियम की है, जहां पर सब्जी मंडी है और सब्जी मंडी में जिस तरह से लोग निकल करके और लॉकडाउन का मजाक उड़ा रहे हैं, ये तस्वीरें बिहार के लिए अच्छी नहीं है और इस पे प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, इनको पहल करने की ज़रूरत है। हम समझ सकते हैं कि लोगों की ज़रूरतें हैं, सामान खरीदना है, घर में सब्जियाँ की ज़रूरत है, तमाम चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन क्या इस तरह से, अगर इस तरह से ये सब्जियां खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे, तो हम कोरोना से जंग कैसे जीतेंगे? और जिस तरह से बिहार में लगातार तेज़ी के साथ कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे में ये सवाल करना बहुत ही लाजमी हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से अभी स्थिति खराब हो गई है और अब बिहार में कुल 21 जिला में कोरोना वायरस की फैलाव हो चुका है। अब तक 18 था, लेकिन 3 जिला और भी सामने आया है जिसमें कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। और दूसरी बात है कि एक जो बक्सर है, बक्सर से भी लगातार वहां से संक्रमण बढ़ने की बातें कही जा रही है। और जो नया जिला शामिल हुआ है उसमें औरंगाबाद है, उसके साथ साथ मधेपुरा शामिल हो गया है। जब भी मधेपुरा में एक भी मरीज नहीं थे, लेकिन कल से वो भी इसमें शामिल हो गया है। और औरंगाबाद में भी मरीज नहीं थे, वो भी यहाँ इस श्रेणी में शामिल हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह की तस्वीरें रहेंगी, और बिहार के तमाम जगहों की हम बात कर रहे हैं जहां पर इस तरह की बातें हो रही हैं, लॉकडाउन का मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसे में उन आला अधिकारियों से मेरा अपील होगा, बिग न्यूज़ 9 की अपील होगी कि इस पर सख्ती से पेश आने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर सख्ती से पेश नहीं आया गया तो बिहार को हम कोरोना मुक्त नहीं कर पाएंगे। और ये जो प्रशासन यहाँ चाय की चुस्कियाँ ले रही है और इसके बावजूद लोग लॉकडाउन का मजाक उड़ा रहे हैं, इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए।